हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए पार्लियामेंट की कार्रवाई होती रही, लेकिन रेगुलर मुसलसल मुतासिर किया जाता रहा अपोजिशन के जरिए, क्या इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन रही थी कि कार्रवाई सही तरीके से हो सके, तमाम बिल जो तैयार किए गए थे सरकार के जरिए वो तमाम पास हो सकते थे, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, सरकार की या अपोजिशन की? देखिए, जमहूरियत में जिम्मेदारी जहाँ तक है जितनी हुकूमत की है उतना ही एक मुसलसल अपोजिशन की भी है, क्योंकि जमहूरियत या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता की नुमाइंदगी सभी करते हैं, जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार होती है। लेकिन अपोजिशन के भी मेंबर्स को एक वही रोल उनको भी अदा करना होता है, इसलिए डेमोक्रेसी में कहा भी जाता है कि देयर शुड बी ए पैरेलल अपोजिशन, कि मतलब गवर्नमेंट पे एक पैरेलल राइडर की बात करें, लेकिन बिल जनता के हित की बात होती है, उस पर बहस मुजाहिबा करना ये निश्चित तौर से अपोजिशन का हक है और देश की जनता का भी हक है। लेकिन जिस तरह से बिना किसी इशू के और पार्लियामेंट में हुकूमत हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार थी, तबादला ख्याल करने के लिए तैयार थी, वो कह रहे थे जो इशू उठाना चाहे स्पीकर मौका दे, हम सब पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विधेयक पे तैयार हैं, जो कार्यस्थगन लाना चाहे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, इसके बावजूद लोकसभा में जिस तरह से स्पीकर को चलाना चाहिए, पहली बार एक ऐसा हुआ कि अगर लोग बेल में भी गए तब भी उन्होंने क्वेश्चन आवर को एडजर्न नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि इस बार लोकसभा ने 19 विधेयक पास किया, जो अपने आप एक रिकॉर्ड है। सबसे कम समय व्यर्थ हुआ या जाया हुआ लोकसभा का, ज़्यादा से ज़्यादा 178 घंटों में मतलब मैक्सिमम समय का इस्तेमाल हुआ है चर्चाओं में, बहस मुजाहिबा में। सर, अगर राज्यसभा की बात कर ली जाए, अपोजिशन का इल्ज़ाम था कि हम लोग वज़ीर आज़म की वजाहत चाहते थे, उनका बयान चाहते थे, चूँकि ये हमारा हक है, फिर आखिर क्यों ऐसा काम नहीं किया? अगर सरकार ऐसा कर देती तो वहाँ भी तमाम बिल मंजूर करा लिए जाते। या तो उनको हक है इस बात का एहतराम नहीं है, या इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उस राज्यसभा में वो कहते कि हमको प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट लेने का हक है, तो लोकसभा राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो मंत्रिपरिषद होता है उसका एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और कोई भी मंत्री जवाब देता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिम्मे से, तो वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के और गवर्नमेंट के बिहाफ पे देता है। सर, लोकसभा के तमाम एमपी जो अपोजिशन के, उन्होंने कहा है कि सरकार बिल्कुल ज़बरदस्ती तमाम बिलों को पेश करती थी, पास करती थी, हम लोग जो भी कोशिश करते थे बिल्कुल नाकाम हो जाते। कोई बिल बिना बहस के नहीं पास हुआ है, तो ये नहीं कि अगर बिल आया हो और सदन में बिल में कोई रहे हो और विरोध करते रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, ऐसा कोई बिल नहीं। 19 बिल पास हुए लोकसभा में, 12 बिल पास हुए राज्यसभा में, ये दोनों पे चर्चा हुई है, दोनों पे बहस मुजाहिबा हुआ है, और दोनों पूरे सदन की राय से पास हुआ। इस तरह बीजेपी का साफ कहना है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बहुत बेहतर तरीके से चली, हालांकि राज्यसभा में जिस तरीके से जो रुकावटें आती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी ने हिज्बे इख्तलाफ पर डाली है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ उनसे गुलाम मुंसफी, दिल्ली।